नमस्ते। आप में से कितने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2016 और 17? काफ़ी सारे। ओके। मेरा यहाँ आने का पर्पस ही यही था कि दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट। और यही मैं सोचता रहता था कि इज़ इट वर्थ इट, इतना टाइम लग गया यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। पास होने के बाद लगता है यस, बिल्कुल वर्थ है। जो खुशी मिलती है, जो रिकग्निशन मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो हम करना चाहते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है, तो इट इज़ वर्थ इट। लेकिन क्या इतना टाइम लगना चाहिए? मेरे हिसाब से इससे कम टाइम में किया जा सकता है। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, और काफ़ी अभी के टॉपर्स भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट में भी क्लियर किया है। लेकिन उनकी पढ़ाई सिर्फ एक साल की नहीं है। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनकी पढ़ाई सिर्फ एक साल की है, ज़्यादातर वो हिडन रहता है। उनकी पढ़ाई हो जाती है, ट्वेल्थ से स्टार्ट हो जाती है, या ग्रेजुएशन में एटलीस्ट वो शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को काफ़ी बार लगता है यार फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया यार, ये तो सुपरमैन। लेकिन ऐसा होता है कि उन्होंने भी मेहनत की है 3-4 सालों वाली, पर अवेयरनेस जो रहती है ना वो थोड़ी सी उनको पहले रहती है। और जनरली यहाँ पर बच्चों को जब ग्रेजुएशन करते हैं उनको पता नहीं रहता सिविल सर्विसेज क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, और ग्रेजुएशन के बाद ये सब शुरू होता है, तो इसके कारण टाइम बहुत लग जाता है। उसके बाद गाइडेंस कौन दे, कैसा दे, तो यहाँ पर चूक हो जाती है। तो मेरा पर्पस यहाँ पर आने का यही था कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्लियरली पता हो कि कैसे पास की जाए ये एग्ज़ाम, और कैसे कम टाइम में की जाए। जो गलतियाँ मैंने करी या मेरे तरह मेरे फ्रेंड्स ने करी जिनको टाइम लग गया था, और जो गलतियाँ उन लोगों ने नहीं करी जो वाकई में टॉपर्स हैं, जो फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में फटाफट क्लियर हो जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूँगा। इट विल टेक 15 मिनट्स, लेकिन आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, और बिलीव मी, मुझे पूरा भरोसा है उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। और मुझे लगता है यहाँ पर जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीन स्टेजेस हैं, उनमें प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। अप्रॉक्स 10 लाख रजिस्टर करते हैं, जिनमें से 5 लाख एग्ज़ाम देने आते हैं। 5 लाख में से 20 हज़ार सिलेक्ट होते हैं मेंस लिखने के लिए, बराबर है। और इंटरव्यू देने के लिए 20 हज़ार में से 3 हज़ार सिलेक्ट होते हैं, राइट। और फाइनल लिस्ट में 1 हज़ार आते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए, सी सैट एप्टीट्यूड थोड़ा हिसाब लगा लीजिए, 5 लाख में से सिर्फ 20 हज़ार, अप्रॉक्स करिए 25 में से एक बच्चा, ठीक है, 20 हज़ार में से तीन, बराबर 7 बच्चों में से एक बच्चा, फिर इंटरव्यू में 3 हज़ार में से 1 हज़ार निकलते, यानी 3 बच्चों में से एक बच्चा। यानी अगर हम इंटरव्यू पहुंच जाते तो 3 में से 1 तो पक्का ही है, तो चांसेस बढ़ गए ना पास होने के। लेकिन प्रीलिम्स में बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि प्रीलिम्स में बच्चे जब फेल हो जाते हैं, जब नापास होते हैं, तो पूरा 1 साल लगता है अगली प्रीलिम्स आने में। लेकिन अगर प्रीलिम्स में पास हो गए तो इमीजिएटली 3.5-4 महीने में मेंस आती है, इमीजिएटली उसके बाद इंटरव्यू आता है। पूरा 1 साल का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो बच्चे की पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन जब प्रीलिम्स फेल हो जाता है बच्चा, तो पढ़ाई छूट जाती है, कोई थोड़ा टाइम घर चला जाता है, कोई रोता रोता रहता है, तो उसमें थोड़ा वो हो जाता है, छूट जाती है पढ़ाई, छूट जाती है। और एक बार पढ़ाई छूट गई, एक बार आप प्रोसेस से बाहर आ जाते हो ना, तो फिर वापस प्रोसेस में आने में ना टाइम लग जाता है, ये बच्चों को रियलाइज़ नहीं होता है। तो मेरा पूरा फोकस ये रहेगा आप सबको बताने का कि प्लीज़ प्लीज़ प्रीलिम्स पे फोकस करिए, सबसे ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स पे करिए। आप मेंस के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, कितने लोग पढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर यहाँ पे? क्या हुआ, पहले तो एग्ज़ाम तो सब दे रहे हैं, कम पढ़ते हैं क्या बच्चे? बाकी के पेपर्स पढ़ते होंगे, फिर न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। मेंस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका मिल जाएगा। लेकिन और मेंस में आंसर जब हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एसए का पेपर है, तो किसी ने न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, उसका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लिख कर ही आएगा। वैसे ही एथिक्स के पेपर में लिख कर ही आएगा। इनफैक्ट पेपर 2 और पेपर 3, जो कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ज़्यादातर हैं जिसमें,
उसमें भी आप कुछ ना कुछ लिख कर ही आओगे। एजुकेशन पे अगर कुछ आ रहा है तो आप लिख कर आओगे, हेल्थ पे कुछ आ रहा है तो आप लिख कर आओगे। लेकिन इशू ये हो जाता है प्रीलिम्स में, आपको चॉइस दी रहती है, या तो आपको वो चॉइस आ रही है या तो नहीं आ रही है, इधर और ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पर डिफिकल्टी बढ़ जाती है, बच्चों को लगता है कि प्रीलिम्स ज़्यादा ईजी है, मेंस ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे उस राइटिंग प्रैक्टिस का, है कि नहीं? तो इसीलिए पूरा फोकस सबसे पहले आप प्रीलिम्स पे लगाइए। इट वॉन्ट टेक मोर देन 4.5 मंथ्स, 4.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है। सर आपको डेफिनेटली बताया होगा सर ने इस क्लासेस में, लेकिन वो ज़रूरी है पहले करें ताकि हम एक सिक्योर हो जाएं कि हम हाँ पक्का प्रीलिम्स पास हो रहे हैं और पक्का मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? प्रीलिम्स के लिए सब दे रहे हैं ना एग्ज़ाम? 2016 कितने लोग दे रहे हैं? काफ़ी बच्चे दे रहे हैं, और 2017 तो चलो ओके काफ़ी बच्चे फिर से भी दे सकते हैं, होप सो ऐसा ना हो। प्लीज़ फोकस करना। प्रीलिम्स में दो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। कुछ पांच सब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर हम अच्छे से करें, और दूसरा टेस्ट सीरीज़, उनको हम अच्छे से करें। देखिए आपको एकलव्य और अर्जुन की कहानी पता होगी, राइट? एक बार जैसे अभी यहाँ पर लाइट चली गई थी, एक बार अर्जुन और जो भी उनके स्कूलमेट्स हैं, गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ रहते थे पहले तो, है ना? ऐसा अभी जो स्कूल सिस्टम है वैसा नहीं था, पहले रेसिडेंशियल था, गुरुकुल था, राइट? तो वहाँ पर वहीं सब रहते थे, बच्चे वगैरह सब। तो कैंडल्स चलती थी, खाना वाना खा रहे थे बैठ के, वो बनाना पील में, वो क्या बोलते हैं उसे, बनाना का पत्ता आता ना जिसमें खाना खाते हैं कभी हम शादी वादी में गए तो उसमें खा रहे थे खाना। तो तेज़ हवा आई, बुझ गया कैंडल वैंडल, बुझ गया, पूरा अंधेरा हो गया, पर बच्चे तो खाना खाने में लगे ही थे। और जब तक गुरु द्रोणाचार्य ने कैंडल वैंडल जलाई तब तक बच्चे पूरा सफा चट कर चुके थे, खाना खा चुके थे बढ़िया मज़े से। तो अर्जुन ध्यान दे रहा था, अर्जुन ने रियलाइज़ किया कि यार बच्चों ने खाना खा लिया अंधेरे में भी, लेकिन वो जो बनाना प्लेट थी, ठीक है, वो जो पत्ता था बड़ा, उसमें से किसी ने बाहर नहीं गिराया। हो सकता था ना कि दाल गिर जाए, सांभर गिर जाए इधर उधर। तो गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, बच्चों ने ऐसा क्यों किया? तो गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि आप रोज खाना खाते हो, उसी उसी प्लेट में, उसी बनाना प्लेट में रोज खाते हो, वैसे ही खाते हो, तो आपने इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर दिया, इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि अब आप वो आंखें बंद करके भी आप कर सकते हो, फिर लाइट हो या ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, स्पेशली प्रीलिम्स में इतना प्रैक्टिस चाहिए, इतने बार रिवीजन करना है, ताकि जैसे ही ऑप्शन आए, कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रीलिम्स में, उसमें ऑप्शन देखकर हमको समझ में आ जाए कि नहीं यार ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं यार ये तो बिल्कुल सही है। ये कब होगा? जब हम बार 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 प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, बुक्स में बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, वो सर भी बताएंगे, कोई भी बताएगा, लेकिन ज़्यादा बार रिवाइज करना ये सब लोग भूल जाते हैं। दूसरा एक एक एकलव्य की भी कहानी है कि ऑब्वियसली सबको पता है कि उनको एडमिशन नहीं मिला था द्रोणाचार्य के स्कूल में, राइट? तो क्या किया उन्होंने फिर, क्या किया? हाँ हाँ राइट, सेल्फ स्टडी की, घर पे ही अपने जंगलों में जाके खुद ही तीर चलाएंगे, खुद ही वो बनाएंगे, थोड़ा सा देख लेते थे, जैसे आजकल mrunal.org पे वीडियोस अवेलेबल है वैसा देख लेंगे, और घर पे जाके प्रैक्टिस की, बहुत सेल्फ स्टडी की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा चाहिए। हम अतुल सर, हम जो यहाँ पर आपको थोड़ा गाइड कर रहे हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। घोड़े को घास या पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी और घास उसको खुद ही खाना पड़ेगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठ के शांति से 6, 7, 8 घंटे जो भी आप कर सकते हो खुद ही रोज। ओके, तो ये सेल्फ स्टडी और रिविजन बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, कुछ भी हो जाए आज से आप ये तो लेकर जाओगे यहाँ से। अब आते हैं प्रीलिम्स की पढ़ाई। प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को, मुझे भी हुआ था, प्रीलिम्स फेल हुआ हूँ मैं, 3 बार फेल हुआ हूँ प्रीलिम्स, तो मुझे पता है कि
फेल क्यों हुआ था मैं और पास क्यों हुआ हूँ। बुक्स हैं, अब उन बुक्स को पढ़ें और उन बुक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उन बुक्स को ही क्यों पढ़ें और बाकी बुक्स को क्यों ना पढ़ें, और कितनी बार उन बुक्स को पढ़ें और उनका फ़ायदा क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाँच मैंने बोला था शुरू में कि पाँच चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, ताकि ऐसा ना हो कि बाकी जो लोगों को आंसर आ रहा है, बाकी जो कैंडिडेट्स को आंसर आ रहा है, वो हमें नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होगा ना तो पक्का हम फेल हो जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे डिफ़िकल्ट आते हैं या कंफ्यूजिंग होते हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं आते हैं, कुछ ही बच्चों को आते हैं। चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं। 20,000 सीट्स है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स पास होने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सबको आ रहा है वो हमको नहीं आ रहा है, या जो एटलीस्ट 20,000 बच्चों को आ रहा है वो हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉलिटी सर ने बताया होगा, क्लास में बताया, लक्ष्मीकांत इज दी बेस्ट बुक। अब जस्ट नोट डाउन करिए, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट होगा, बिलीव मी, आप भरोसा करिए। ठीक है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में से पढ़िए, आपने क्लासेस की है अब आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत में भी जो टेबल्स होती हैं, कितने लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं यहाँ पे? सभी करते हैं, चलो अच्छी बात है। ये तो लक्ष्मीकांत में टेबल्स दी रहती हैं, टेबल्स इतनी अच्छी तरह से करिए आप, इतनी अच्छी तरह से करिए, क्योंकि टेबल्स में ही सार है सबका। टेबल्स में क्लियरली समझ में आता है क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में। पढ़ा हुआ है ना लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत? हाँ पढ़ा है ना, एग्जाम्पल समझ में आएंगे ऑर्डिनरी बिल मनी बिल अगर मैं दूंगा तो। टेबल्स रहती है लक्ष्मीकांत में, उसमें सब समझ में आ जाएगा। उनको बहुत अच्छे से फोकस करिए, लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर अच्छे से पढ़िए। देखिए प्रीलिम्स में 18 क्वेश्चन, 100 में से 18 क्वेश्चन अगर पॉलिटी में से आ रहे हैं, कितना हुआ? 18%, 18% अराउंड 1/5, बराबर है कि नहीं? अगर वो 18 क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ के 18 के 18 सॉल्व कर सकता हूँ, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम सारा साल न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, आपने इतना सारा पढ़ लिया है, रिवाइज एकदम कम किया है, तो सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन लक्ष्मीकांत एक बुक है, उसको बार बार पढ़ने से क्वेश्चंस हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर यकीन नहीं होगा, हो रहा होगा मेरी बातों का, तो आप घर पे जाकर पास्ट ईयर क्वेश्चंस चेक करिएगा और फाइंड आउट करिएगा कि ये लक्ष्मीकांत में कहाँ पर है, आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी है, एनसीईआरटी अच्छी है, कोई भी पढ़िए। मैं प्रेफर करता था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, आईपीएस ऑफिसर। वो बहुत बढ़िया बुक है, स्पेशली उसमें हर चैप्टर के पीछे समरी दिया हुआ है। आप उस समरी का जेरोक्स अलग से अपने पास रखिए, बुक में रहने दीजिए, उस समरी का जेरोक्स अपने पास रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपको एक पूरी एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पेप टॉक, जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, जो आपका मनोबल बढ़ाएं, ऐसी स्पीचेस हम देंगे, टॉपर्स देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो है, बच्चे यहाँ से सुन के चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब वो पढ़ाई करने बैठेंगे ना, तब उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली वही बता रहा हूँ जो आपको इस एग्ज़ाम में 2016 प्रीलिम्स में और 2017 प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम करें, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी है। अगर 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली 6-8 में से 6 उसमें से हो ही जाएंगे अच्छे से पढ़े तो। ओके, फिर आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है, उसका एक सेक्शन है इकोलॉजी, वो करें। अगर वो नहीं करना है लोगों को, तो आईसीएसई की 9th और 10th की किताब आती है, वो करें। इन दोनों में से कोई भी कर लिया, एटलीस्ट बेसिक एनवायरमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, उसके अलावा करंट्स आता है, आपको वो न्यूज़पेपर में से करना पड़ेगा। फोर्थ, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th एनसीईआरटी अनिवार्य है, अच्छे से करना है, धीरे धीरे करना है। उसमें जो किसने देखी है ना, अब बच्चों आपने देखी होगी 6th और 7th की एनसीईआरटीयां, देखिए कि सीधा 11th 12th की उठाते हो 6th और 7th की, उसमें वो बंटी बबलू वो कार्टून फिगर्स रहते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। कभी उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे कि यार ये क्वेश्चन हमने क्यों नहीं सोचा, पर वो आपको सोच के दे रहे हैं ताकि आप उस पर सोचें और फिर आंसर निकालें। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप क्वेश्चन देखोगे ना यूपीएससी में, उनमें से क्वेश्चन है, आप बिलीव नहीं करो। आप एक बार चेक तो करिए जाकर। ठीक है, तो ज्योग्राफी की 6th to 12th एनसीईआरटी जरूर करेंगे, यानी जरूर करेंगे। ठीक है, मैपिंग पे ध्यान देंगे आप,
मैपिंग पे आजकल आठ आठ क्वेश्चन आ रहे हैं, आठ क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, और मैपिंग एक बार पढ़ा हुआ है तो इमीजिएटली अगर याद आ गया एशिया में सीरिया कहाँ पर है, म्यांमार कहाँ पर है, कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्पेशली एशिया का मैप, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैपिंग एशिया पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इंडिया एज वेल एज एशिया, ठीक है। के सिद्धार्था की बुक आती है वर्ल्ड मैप पे, और प्रेम पटेल की बुक आती है इंडियन मैप्स पे, वो आप रेफर कर सकते हैं, मैपिंग ईजी हो जाएगी, ठीक है। पाँचवा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में शंकर गणेश IRS ऑफिसर हैं, उनकी बुक है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए शंकर गणेश बहुत अच्छी है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं मैं उनको कहूँगा mrinal.org पे वीडियोस हैं, या सर की क्लास में बढ़िया हो जाता है, तो कहीं पर भी आप पढ़िए, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने क्या सब्जेक्ट्स बताया, मैंने 5 सब्जेक्ट्स बताए आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। कुछ भी हो जाए आप पहले ये 5 सब्जेक्ट अपने हाथ में रखिए, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ये अगर नहीं आ रहे हैं तो हम पक्का फेल हो जाएंगे। बाकी आए नहीं आए ठीक है, ये नहीं आ रहे हैं तो पक्का पक्का फेल होंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से करिए। मैंने आपको बुक्स बताई है, मैंने आपको ये भी बताया कि उन बुक्स को कैसे पढ़ें, पॉलिटी में टेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा ध्यान दें, ज्योग्राफी में वो जो क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ये पहला रूल। दूसरा रूल है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो काफ़ी बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फियरफुल हो जाते हैं। ऑस्ट्रिच, देखा ऑस्ट्रिच, एक बर्ड रहता है, ऑस्ट्रिच चलता है, लेकिन अगर उसके सामने कुछ भी यू नो बड़ा जानवर आ गया जिससे उसको खतरा है तो अपनी वो मुंडी, क्या बोलते हैं, छचिंदर, क्या बोलते हैं उसे, चतुर्मुर्ग, क्या बोलते हैं सर हिंदी में ऑस्ट्रिच को, चतुर्मुर्ग, हाँ वो, हाँ वही, वो मुंडी घुसा देता है, डर ये डर गया अंदर, ऐसा नहीं करना है। ये जनरली बच्चों में मैंने देखा है, मुझ में भी था, बिलीव मी। टेस्ट कब देना है यार, एक बार पूरा बुक कंप्लीट हो जाए, एक बार पढ़ लूँ उसके बाद टेस्ट देना है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये वो हम ना पोस्टपोन कर दें चीज़ें क्योंकि हम डरते हैं, हमें डर लगता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, आप टेस्ट सीरीज आज से, स्पेशली 2016 में दे रहे हैं, आज से रोज़ 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करिए, पास्ट ईयर पेपर में से करिए, सर के सिनर्जी के टेस्ट सीरीज लीजिए, insightonindia.com के मार्केट में टेस्ट सीरीज अच्छे अवेलेबल हैं, वो कम से कम 30 क्वेश्चन करिए, 30 क्वेश्चन रोज करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पर हो रही है, और ज़मीन पे रहेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। नहीं तो यार पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरा बुक हो गया, 2 बार 3 बार हो गया यार, हो गया बस मेरा, तेरा कितनी बार हुआ यार, मैं तो कंप्लीट नहीं हुआ है। बुक कंप्लीट करना डजंट मीन कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। टेस्ट में अच्छे नंबर आना उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं वाकई में, ठीक है। तो आज 2 रूल आप जरूर यहाँ से सीख कर जाएंगे, एक तो 5 बुक्स या 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताए आप बिल्कुल उन बेसिक बुक्स पे फोकस करेंगे, और दूसरा जो टेस्ट सीरीज़ हैं आज ही आप जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं अच्छे अच्छे लगाएं, अगर नहीं लगा पा रहे तो उनके पेपर्स अपने पास अरेंज करें कहीं से भी, और रोज़ 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिनिमम 30 क्वेश्चन करें, क्योंकि कुछ 75 दिन बचे हैं। अगर थोड़े ज़्यादा दिन होते तो मैं बोलता कि 10-15-20 करिए, तो थोड़े ज़्यादा करिए, 2016 वाले, 2017 वाले आराम से 20-20 कर सकते हैं रोज, ठीक है। ये 2 चीज़ें, उसके अलावा मैंने बताया आप एक ही चीज़ को बार बार आप रिवाइज़ करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे ताकि अर्जुन जैसा फोकस आ जाएगा, और सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में बैठ के क्लास में आप सीख लें जाके, लेकिन उसके बाद अपने घर में रूम में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, कहीं पर भी जाइए, बैठ के सेल्फ स्टडी करिए, उसी चीज़ को पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, शांति से पढ़िए, कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा 6th अटैम्प्ट था, CA भी दिया है मैंने और ग्रेजुएशन भी दिया, और स्कूलिंग तो ऑब्वियसली की है, सब ने की है, और हम सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि यार स्कूल में भी फेल हो रहे हैं, ठीक है नंबर कम आ रहे हैं, 12th यार बहुत डिफ़िकल्ट है, 10th बोर्ड, 12th, फिर ग्रेजुएशन आ गया, फिर चलो ग्रेजुएशन तो आजकल वो शार्प नोट्स आते हैं तो फटाफट हो जाते हैं जिसका कॉमर्स होगा, उसके बाद CA में आ गया तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बराबर है, वो भी पार कर लिया, और उसके बाद UPSC भी पार कर लिया, पहले वो भी लग रहा था यार कितना डिफ़िकल्ट है। मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि हम सब में है वो यू नो बात जो पोटेंशियल बोलते हैं ना, जो एबिलिटी बोलते हैं, वो है कि हम कर सकते हैं, दिक्कत ये है कि हम खुद को चैलेंज नहीं करते,
ना ही हमको कोई चैलेंज नहीं करता कि भाई एक बार किसी ने चैलेंज करके कि तू करके दिखा रखे, तू चढ़ के दिखा इस पे। किसी ने कर दिया चैलेंज तो हम कोशिश पूरी लगा देते, अपनी जान लगा देते चढ़ने के लिए, लेकिन जब तक कोई चैलेंज नहीं करता फिर हम चढ़ते नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो ये चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस आपको ऊपर लाएंगे, ये जो यूपीएससी की जो प्रोसेस है ना बिल्कुल ऊपर लाएगी। मैं जब सीए इंटर में था तो मैं सर के पास आया था, अतुल सर के पास, सर को शायद याद नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो हमारे सीए, जब हम सीए इंटर यानी सीए PE2 पास होते हैं और सीए फाइनल की एग्ज़ाम होती है, उसमें 3 साल होता है गैप, और 3 साल में हमको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। तो मैंने कहा यार बहुत टाइम है 3 साल, तो चलो यूपीएससी करते हैं। तो अतुल सर के पास आया था तो सर ने बोला कि क्या प्लान है, क्यों करना चाहते हो ये वो। तो मैंने बोला कि सर ये ऐसा है 3 साल हैं। सर ने सुना सुना, सर समझ गए कि ये तो। फिर सर ने बोलना शुरू किया कि तुमने क्या समझ के रखा है यूपीएससी को, ऐसा ही हो जाता है क्या, तुम्हारे जैसे लोग आ जाते हैं यूपीएससी करने ये वो। मैंने कहा अरे बाप रे क्या बमबार्डिंग हो रहा है। घर पे गया, अरे बाप रे बाप, मेरे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे यार क्या हुआ, किसने क्या बोल दिया तुझे। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया यार, तो बड़ा उदास निराश हो गया था। लेकिन आज मुझे वो बात रियलाइजेशन होती है कि वो सही था, सिंसियर एफर्ट्स और ऑनेस्टी अपने पढ़ाई के प्रति, कि ये गोल है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा ये रॉकेट साइंस है। ज्योग्राफी यार बच्चे पढ़ रहे हैं यार, 12th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 to 10, वो हमको पढ़नी पड़ रही, तो क्या डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी। लेकिन वास्ट बहुत है, इतना वास्ट है ना, इतना वास्ट है कि आप एक सब्जेक्ट उठाते हो, जब दूसरा खत्म करते हो, तीसरा खत्म करते हो, तो पहला भूल जाते हो। तो ऐसा होता है, तो आपको कंटिन्यूसली उसको बार बार रिवाइज 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 करते रहना, ताकि हमको याद रहे इतना वास्ट सब्जेक्ट्स। तो आराम से बैठ के लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जिद पकड़ लेना, करना है करना है, करके रहेंगे। बस ये एक जिद अपने पास रेडी रखना, कोई कुछ भी बोले नहीं यार मुझे करना है, मैं कर लूंगा, मुझे पता है। सबने कर लिए, 1,000 बच्चे कर लेते हैं यार हर साल, क्यों नहीं कर सकते हम आप? ठीक है, तो बस आप ये ध्यान में रखिए, अगर आप इनमें, आप बच्चों में से कुछ 5 या 10 बच्चे भी अगर प्रीलिम्स पास हो जाते हैं मेरी ये बात सुन के, तो आई थिंक कि चलो फ़ायदा हो गया कुछ। ओके चलो, थैंक यू, नमस्ते।